हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग जो इस क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन के ऊपर लेसन करने वाले वो है मिक्सिंग नोट्स। तो मिक्सिंग नोट्स का मतलब क्या है? पिछले दिन आप लोग क्या किए थे, सरगम विथ टू नोट्स किए थे और थ्री नोट्स किए थे, जिसमें मैंने आपको होल्डिंग पावर को इंक्रीज करने का टेक्निक भी बताया था और शिफ्टिंग मतलब मुंह को ऐसे ऐसे हिलाने का प्रोसेस भी आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो हम लोगों के चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है लिंक, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं मिक्सिंग नोट्स। तो मिक्सिंग नोट्स का मतलब जो दो और तीन आपने किए थे पिछले क्लास में उसको आप मिक्स कर दीजिए, मतलब दो बजाइए तीन बजाइए, दो बजाइए तीन बजाइए, ऐसे करके पूरा चलता है। तो पहले देख लेते हैं कि वो बजता कैसे है, उसके बाद हम लोग सीखते हैं, ठीक है? तो चलिए 1 2 3 स्टार्ट। रिवर्स भी आना है आपको, ठीक है? ये था आपका मिक्सिंग नोट्स, मतलब दो और तीन आप सीख चुके, बस कुछ नहीं करना है आपको, वही सीखा हुआ हिस्सा आपको जोड़ देना है। आपने दो करके सीखे थे और तीन करके भी सीखे थे फास्ट फास्ट सीखे थे, वही दो फास्ट जो सीखे थे आपने, जिसको हम लोग शिफ्टिंग पावर इंक्रीज करने के लिए सीखे थे, तो वो दो है जो आपका सरगम विथ टू नोट्स एंड सरगम विथ थ्री नोट्स, उसको आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है? आपको बजाना क्या है फिर? साढ़े साढ़े गा, साढ़े साढ़े गा बजाना है, रेगा रेगा मा, ठीक है? मतलब इंग्लिश में चलिए सी डी सी डी ई, साढ़े साढ़े गा सी डी सी डी ई, रेगा रेगा मा, गामा गामा पा, मापा मापा धा, ठीक है? साढ़े साढ़े गा रे गा रे गा मा, ऐसे करके दो तीन दो तीन दो तीन, ठीक है? इंग्लिश में सी डी सी डी ई, डी ई डी ई एफ, ई एफ ई एफ जी, जी ए जी ए बी सी, ठीक है? समझे? और एक चीज जो मैं पहले दिन से आपको बताया था कि आपको कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, ठीक है? कहीं पर भी छोड़ना नहीं है और थोड़ा होल्ड करके भी करना है, एक पोजीशन में आपको होल्ड करके, मतलब धीरे धीरे जो लास्ट वाला है ना, मतलब साढ़े साढ़े गा, ये जो गा है मतलब सी डी सी डी ई, जो ई है उसको आपको होल्ड करना है, ठीक है? इसको मैं बोलते हैं मतलब होल्डिंग पावर इंक्रीज करने के लिए, जो जो लास्ट है सी डी सी डी ई में लास्ट कौन सा वाला है? ई, मतलब ई को आपको होल्ड करना है। फिर आइए डी ई डी ई एफ, मतलब लास्ट कौन सा वाला है आपका? एफ, मतलब एफ को आपको होल्ड करना है। उसके बाद आइए ई एफ ई एफ जी, मतलब गामा गामा पा, तो लास्ट कौन सा वाला हुआ आपका? जी या फिर पा, तो पा को आपको होल्ड करना है। उसके बाद आइए एफ जी ए, मतलब मापा मापा धा, मतलब लास्ट कौन सा वाला आया आपका? ए या फिर धा, उसको आपको होल्ड करना है। तो ऐसे करके चलता है, ओके? मेरे साथ बजाइए, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। मेरे साथ बजाना है आपको, धीरे धीरे बजाना है, लास्ट को होल्ड करना है। चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। राइट, आपको और क्या करना है? रिवर्स भी आना है। हाँ, ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, आपको रिवर्स भी आना है, ठीक है? वही एक ही टेक्निक, लास्ट वाला जो नोटेशन है आपको उसमें होल्ड करना है, मतलब सानी सानी दा है। अगर आप रिवर्स से आए तो लास्ट नोटेशन क्या हुआ आपका? धा, तो उसमें आपको होल्ड करना है। उसके बाद नीधा नीधा पा, तो पा या फिर जी बोल लीजिए, उसको आपको होल्ड करना है। तो चलिए मेरे साथ आपको बजाना है रिवर्स तरीके से, ठीक है? कोई गलती नहीं होना चाहिए, एकदम धीरे धीरे बजाएंगे और होल्ड करके बजाइए, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। ओके, ये था आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स, बट कैसे आपका
होल्डिंग पावर को इंक्रीज करते हुए। जैसे मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि सरगमोई 2 नोट्स में भी आपको होल्डिंग बताया था, 3 नोट्स में भी होल्डिंग बताया था, मतलब धीरे धीरे और होल्ड कर करके लास्ट वाला नोटेशन होल्ड कर करके हमको बजाना है। ये होता है आपका ब्रीदिंग पावर या होल्डिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। बट गाने में सिर्फ होल्डिंग पावर को इंक्रीज नहीं किया जाता है, होल्डिंग पावर भी जरूरत होता है और गाने में एक चीज और जरूरत होता है, जो आपका मुंह ऐसे 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 शिफ्ट होता है, तो उसके लिए आपका शिफ्टिंग पावर भी, मतलब ऐसे ऐसे हिलाने के लिए जो पावर होता है उसको बोलते हैं शिफ्टिंग पावर। तो शिफ्टिंग पावर को भी आपको इंक्रीज करना है। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपने बजाया वो आपको फास्ट बजाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है, मतलब साढ़े साढ़े गा बजने के बाद ही रेगा रेगा मा बजने के बाद ही गामा गामा पा, मैंने ऐसे करके चलता है, फ्लो में चलता है, कहीं पर भी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग फास्ट बजाते हैं, मतलब कहीं पर भी छोड़ते नहीं है, पर फास्ट को थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, कहीं पर भी नहीं छोड़ते हुए। उसके बाद फास्ट को थोड़ा और फास्ट, मतलब 2x speed, 3x speed, 4x speed, ऐसे करके मतलब चलते हैं, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे करते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ओके। तो देखिए 1 2 3 स्टार्ट। यह आप देख सकते हैं, जो लास्ट वाला नोटेशन है उसमें मैंने होल्ड नहीं किए। देखिए साढ़े साढ़े गा जब बजे ना, उसके बाद ही मैंने रे शुरू कर दिए, रेगा रेगा मां बजाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। देखिए देखिए पहले वाला क्या था, आपका लास्ट पोजीशन में मैं होल्ड कर रहा था, ठीक है, वो वाला कहलाता है होल्डिंग पावर, ठीक है। पर इसमें नहीं है, इसमें आपको बस जाना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, यही आपका दिमाग में सेट होना चाहिए कि कहीं पर भी रुकना नहीं है हम लोगों को, ओके। तो देखिए कहीं पर भी रुकेंगे नहीं, 1 2 3 स्टार्ट, धीरे धीरे कीजिए, मेरे साथ ही करना है आपको। वापस भी आइए, ठीक है। इसको कहते हैं कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, और शिफ्टिंग पावर को, मतलब शिफ्टिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए ये वाला टेक्निक बहुत ही बेहतर होता है, ठीक है। पर ये आपको करना है दो दिन तक आप कीजिए, उसके बाद आपको करना है इसका स्पीड इंक्रीज। हाँ, इसका स्पीड इंक्रीज करना है, कैसे करके, ये चल रहा था मालूम चले 2x speed में, आपको 3x 4x 5x, मतलब स्पीड में करना है, इजी में आपको स्पीड में करना है। देखिए स्पीड कैसे इंक्रीज होता है, आपको बस मुंह में जाना है, पर पहले दिन से नहीं कीजिए, आपको नहीं आएगा, ठीक है। पहले दिन से ऐसे की, मतलब पहले दिन से थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, ओके। पहले 2x में चलिए, फिर स्पीड इंक्रीज कीजिए, फिर स्पीड इंक्रीज कीजिए, ऐसे करके चलता है। पहले दिन अगर आपने कोशिश किए कि फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग पॉइंट से ही चलना है। तो देखिए इंक्रीज करते हैं स्पीड को, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, ये चला थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके, थोड़ा और स्पीड इंक्रीज, देखिए। ठीक है, और थोड़ा स्पीड इंक्रीज, ठीक है, फाइनल में एकदम। ठीक है, ये वाला आपका स्पीड मतलब चाहिए, ठीक है। ये वाला स्पीड जब आपको आ जाएगा, तब आप सोचिएगा कि आपका ये वाला लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यही तक हम लोग समाप्त करते हैं, दूसरे लेसन के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।